किताबासाठी का? चलो क्यों बताएगी। नेटवर्क स्लो है दोस्तों, नेटवर्क बहुत स्लो है दोस्तों। बीकानेर से एक एक बहुत ही दुखद खबर आई है, एक बहुत बड़ी खबर है और दुखद खबर है एक बहुत ही। दुखद खबर यह है कि आपको पूरी जानकारी बता दूं। देखो आज बीकानेर से अभी अभी एक सोनकार समाज के का एक परिवार है 5 जनों का, जिसने आत्महत्या कर ली। बीकानेर के एक ही परिवार के लोगों ने की आत्महत्या। 4 लोगों ने फंदा लगा कर किया सुसाइड, जबकि एक ने किया विषाक्त का सेवन। पति पत्नी और 3 बच्चों ने किया सुसाइड। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को दी सूचना। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शहर के मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में एक परिवार के मुखिया ने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी मिली है कि अंतोदय नगर निवासी हनुमान सोनी अपनी पत्नी विमला और 3 बच्चों ऋषि, मोनू और गुड्डू को फांसी के फंदे पर लटकाकर जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि हनुमान सोनी पिछले 8 साल से अंतोदय नगर में एक किराए के मकान में रहता था। उसने गुरुवार देर शाम यह खौफनाक कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आईजी ओम प्रकाश जी, एसपी तेजस्विनी गौतम जी, अतिरिक्त पुलिस दीपक शर्मा सहित थानाधिकारी व पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। शवों को पीबीएम की मोर्चरी में रखवाया गया। दोस्तों आज एक बीकानेर से बहुत ही दुखद खबर आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। संपजी आत्महत्या क्यों हो रही है, क्या लगा है ये बताओ। जका मैं पड़ोसियां है, मतलब एक न्यूज आ रही है कि जिया कोई कर्जा के कारण बांगे ये आत्महत्या करी है, कर्ज के कारण। देखा जका मैं थोड़ा को नहीं होएगी। हां बे के शान को जो बहुत ले आपा अंठा को निकनु बिसा ले आगे दी मासी टॉर्चर कर बोगरा बने तो आदमी के मासी टॉर्चर के संतुलन दिमाग खराब हो जाया। खराब हो जाए जब के करे के ओ ऐसा उंदा कदम उठा ले। देखो वो तो फांसी लगानो कोई वो बिगो कोई सलूशन समझा वो नहीं क्यों लोग है नहीं लोग शान को जो बोतल है फांसी लगानो को सलूशन है कि चीज वो आओ तो के करे तो और दूसरो गेलो नए हो जाता अगला आदमी कन के करे। दोस्तों बीकानेर से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। थोड़ा नेट बहुत स्लो होने के कारण एक बार